Hello everyone and welcome to AD Education. I am Amit Dikshit. इस समय जो आप देख रहे हैं वो है कोर्स 508 के वीडियो लेक्चर्स की सीरीज जो सिर्फ आप AD Education पर देख सकते हैं. इसके अलावा 501 से लेकर अभी तक के आपके 510 तक के जितने भी कोर्स हैं उनके सभी लेक्चर्स आपको सिर्फ AD Education पर ही मिलेंगे. तो इनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है मैंने, आप उस पर क्लिक करके अभी तक के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो देखना शुरू कर दीजिए. आज से भी स्टार्ट करेंगे तो आप अपने सेमेस्टर को क्लियर कर सकते हैं. तो बेस्ट कंटेंट है आपके लिए, काफ़ी लाखों शिक्षकों ने इसकी मदद ली है तो आप भी ज़रूर लें अगर अभी तक नहीं ली है. चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है आपको तो दबा दीजिए उसको और बेल बटन साथ में जरूर दबाइए. सभी चेक कर लें कि उन्होंने घंटी के बटन को दबाया है तभी आप तक लेक्चर की जानकारियाँ पहुँचती हैं और आप उन्हें देख पाते हैं. तो ये दोनों काम आप ज़रूर करें, ये मेरा सजेशन है. नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी गई हैं और अनअकैडमी पर ज़रूर जुड़िए, देश का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ आप मुझसे ज़रूर जुड़ें. ना केवल आपके NIOS DLED के लिए मैंने कोर्स तैयार किए हैं बल्कि टेट एग्ज़ाम्स के लिए, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए आपको बेहतर कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा और ये फ्री है. तो आप इसका पूरा बेनिफिट लें, लोगों को सजेस्ट करें जो भी आपके साथी हों एंड टेक दी एडवांटेज ऑफ दिस फ्री कोर्सेज. ओके, एंड आज हम अपने 508 के अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और मोस्ट प्रॉब्ली मैं आज इस यूनिट को ख़त्म कर दूंगा. ये यूनिट ख़त्म होने के साथ ही हमारा आज ये 508 का जो ब्लॉक है वो ख़त्म हो जाएगा और इसी के साथ कोर्स 508 हम आज ख़त्म कर देंगे. तो यहाँ अच्छी बात यह है कि फाइनली एक आज हमारा एक और कोर्स ख़त्म हो जाएगा. मैं लगातार आपके सेमेस्टर आपका जो डिप्लोमा जब से शुरू हुआ है कोशिश ये रही है कि लगातार आपको पूरी हेल्प करूं और अभी तक तो यही किया है मैंने और हम फाइनल स्टेजेस पर आ गए हैं. तो मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं यहां पर, अपने हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं. आप इतना ज़रूर कीजिए कि ना दूसरों तक पहुँचाइए, ज़रूर लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, सभी को ये बताइए. काफ़ी लोगों के हो सकता है पहले के पेपर भी अटके हुए हों तो वो क्लियर हो जाए. यहाँ उन्हें सभी लेक्चर्स और MCQs वगैरह सब मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, तो उनकी काफ़ी हेल्प होगी. तो इतना हम सब जरूर कर सकते हैं, आप ही के साथ ही दोस्त हैं सब, तो ये आप जरूर कीजिए अपनी कम्युनिटी के लिए. ओके एवरीवन, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को. तो आकलन में पठन साथी की भूमिका, ये हमारा टॉपिक है. तो पठन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पठन साथी की भूमिका. मैं थोड़ा हाईलाइट भी करता जाऊंगा चीज़ें, उससे आप पकड़ते जाएंगे कि क्या क्या यहाँ पर आपके लिए ठीक रहेगा. तो देखिए, सतत और सार्व, यहाँ पर यह बताया गया है कि मेन कॉन्सेप्ट बताता हूँ यहाँ पर जो है कि यहाँ पर साथी की जो आपके सहपाठी होते हैं, यहाँ पर देखिए लोगों में विद्यार्थियों के सहपाठी की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता. तो पढ़ने पढ़ाने में हमने तकनीकों की बात की और कई तरह की चीज़ें हम समझ रहे हैं, उसी में से एक इम्पॉर्टेंट है जो सहपाठियों का जो फीडबैक होता है, उनकी जो आपके बारे में, आपकी पढ़ाई के बारे में, आपके बारे में जो राय देते हैं वो सहपाठी अधिगम जिसे हम बोलते हैं, तो उसकी इम्पोर्टेंस यहाँ पर बताई गई है. तो आमतौर पर देखिए देखा जाता है कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी अपने साथियों के बारे में तरह तरह के सवाल करते हैं. तो आपने भी देखा होगा, जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, सुरभि जरा ये बताना मैंने ये रंग सही भरा है या नहीं, क्या कोई और रंग यहाँ पर लगा दूं या ज़्यादा आकर्षक लगेगा. तो एक कुछ आंसर्स ऐसे दिए गए हैं, कुछ वाक्य दिए गए हैं जो आप अक्सर बच्चे अपने साथियों से, इवन आप लोग भी हैं तो अपने मित्रों से जरूर पूछते होंगे, क्या मैंने ये सही किया है, ये क्वेश्चन का आंसर सही है, क्या ये मैंने सही बनाया है, डिज़ाइन, एनीथिंग यू कैन आस्क विथ योर मित्र, आपके जो साथी हैं, मित्रों के संग, आपके पढ़ने वालों के संग आप ये करते हैं. तो वो सब यहाँ पर दिया गया है. तो इसका मतलब इनका ये बताने का है कि विद्यार्थी जो साथ पढ़ने वाले सहपाठी हैं वो अपने आप में आपके आकलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. तो सहपाठी आकलन भी इसे कहा जाता है, मूल्यांकन या आकलन, और ये इसी के बारे में ये बताया गया है. अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि कोई भी चीज़, सब एग्जांपल वही दिए गए हैं. देखिए जहाँ पर एग्जांपल है, सिद्धार्थ मुखौटा तुमने बड़ा ही सुंदर बनाया है मगर ये टिकाऊ नहीं है, अगर चार्ट पेपर की जगह तुमने कार्ड शीट लगाई होती तो अधिक दिन तक उपयोग में लाया जा सकता था. तो विद्यार्थी एक दूसरे को या मित्र एक दूसरे को, सहपाठी एक दूसरे को जो फीडबैक देते हैं वो आपको बेहतर बनने में विद्यार्थियों को मदद करता है. तो इसको आप कैसे उपयोग करेंगे बच्चों के आकलन मूल्यांकन में, ये आप सोच सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है और आपके बच्चों पर अपने कहे हुए दोस्तों की बात का भी काफ़ी फर्क पड़ता है सहपाठियों की, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. तो यहाँ पर ये बताया गया है आपको निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना होगा जब पठन साथी आकलन के बारे में तैयार कर रहे हैं. तो पठन साथी आकलन की समुचित योजना तैयार इस प्रकार कर सकते हैं
किस गतिविधि में पठन साथी की टिप्पणियां लेनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर में आप सहपाठियों की टिप्पणियों को दें, कई बार ये बच्चों पर नेगेटिव प्रभाव भी डालता है कि उनके जो मित्र हैं उनके बारे में अगर कुछ गलत कहते हैं, तो हमें समझना है कि कहाँ इसका इस्तेमाल करना है और कहाँ नहीं। दूसरी चीज, इसके द्वारा की गई टिप्पणियों की विश्वसनीयता क्या होगी। तो यहाँ पर जो बच्चे एक दूसरे के बारे में टिप्पणियां करें, आप उपलब्ध रहें वहां पर, तो अगर कुछ सही गलत वो सुधार करना है तो वो आप कर सकते हैं, ताकि बिल्कुल भी इसको पूरी तरह से 100% एक्यूरेट नहीं मान सकते, तो ये थोड़ा आपको सपोर्ट करना होगा। कौन से साथी किस विद्यार्थी के बारे में क्या किस प्रकार की टिप्पणी और बेहतर निष्पक्ष टिप्पणी दें, इस बात को भी आपको अश्योर करना है। कोई भी उनमें द्वेष की भावना ना हो, कुछ ना हो, बिल्कुल अच्छा फीडबैक हो, मतलब सही फीडबैक हो, ये जरूरी है, अच्छा नहीं। पठन साथियों के द्वारा की गई टिप्पणियों को ज्यों की त्यों दर्ज करें और उनके सम्मुख किसी प्रकार की स्वयं टिप्पणियां ना दें। बच्चा अगर कोई दूसरे बच्चे के बारे में फीडबैक दे रहा है कोई, तो उसको बोलने दें, उस समय लिख लें और बाद में उस समय ना टोकें, ताकि उन पर भी प्रभाव ना पड़े गलत, तो बाद में उनको समझा सकते हैं किसी चीज को लेकर। अगर आपको आभास होता है कि सहपाठियों की आपस में किसी प्रकार की अनबन है, जैसा मैंने आपको कहा, तो कोई द्वेष की भावना से विचार ना प्रकट किए जाए किसी दूसरे विद्यार्थी के द्वारा में, तो यह भी ध्यान आपको रखना है। आकलन में अभिभावकों की भूमिका बताई गई है। यहां पर आपको बताया गया है कि माता पिता, अब देखिए बच्चों के माता पिता द्वारा करवाए गई कई चीजें ऐसी हैं जो बहुत मदद करती हैं पाठ्यक्रम में। भाषा, सामाजिक अध्ययन, कला के अंतर्गत ऐसी कई चीजें हैं जिनमें माता पिता काफी अपना योगदान दे सकते हैं। आकलन मूल्यांकन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और माता पिता का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, कई लोग सोचते हैं कि पढ़ा लिखा बहुत जरूरी है होना, तो ऐसी कई चीजें हैं जैसे गाँव के बड़े बूढ़े जो हैं वो ऐतिहासिक चीजों के बारे में जानते हैं, गाँव की छोटी छोटी चीजों के बारे में बताने में सक्षम होते हैं। गाँव के जो मिस्त्री हैं, बड़े ही हैं या अन्य कारीगर हैं, हो सकता है बच्चों के माँ बाप ही उनमें से एक हों, तो वो काफ़ी कुछ यहाँ पर उनको सिखा सकते हैं। और मिट्टी के खिलौने बनाना, स्थानीय चीज़ें बनाना, तो केवल पढ़ाई नहीं अन्य चीज़ों में भी उनको ट्रेनिंग मिल सकती है, तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। और कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे बच्चों को भ्रमण पर ले जाना अगर हो, तो इसमें जो अभिभावक हैं वो मदद कर सकते हैं कि अपना सहयोग दे सकते हैं, कि मान लीजिए शिक्षक अवेलेबल नहीं है तो माता पिता कई बार हेल्प कर सकते हैं। स्थानीय परिवेश में ऐसे बहुत से पेड़ पौधे, ऐसी जानकारियां रहती हैं जो शिक्षकों को भी नहीं पता होती, क्योंकि वो वहाँ का रहने वाला नहीं हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन स्थानीय लोग होंगे तो वो वहाँ की कई चीज़ों के बारे में जानकारी दे सकती हैं, जो बच्चों के सब्जेक्ट से जुड़ सकती हैं, जो उनको हेल्प करेंगी। किसी भी प्रकार से अगर आप जानते हैं कि बच्चे के माता पिता, भाई बहन या रिश्तेदार सरल यौगिक क्रियाओं में निपुण हैं, तो आप उनका सहयोग लीजिए। मतलब अगर उनके माँ बाप, उनके भाई बहन किसी में भी कोई टैलेंट है तो उनका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उनके जरिए बच्चा जल्दी सीख पाएगा, वो उनके खास हैं, उनके परिवार के लोग हैं। और मेले त्योहारों का आयोजन आप कर सकते हैं, इसमें अभिभावकों की भूमिका की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वो काफी कुछ इसमें सहयोग कर सकते हैं जो बच्चों के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। ओके, आगे बताया गया विद्यार्थियों और अभिभावकों के प्रति संप्रेषित कैसे किया, प्रगति को संप्रेषित किया कैसे जाए, तो बस ये बताया गया है कि आप बच्चों का जो परफॉर्मेंस है उसे माता पिताओं तक कैसे पहुंचाएं, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, वैसे मुश्किल नहीं होंगे आपको समझने। पॉइंट पहला दिया गया, अभिभावकों बच्चे की व्यक्तिगत और विशेष उपलब्धियों और जरूरतों और व्यवहार आदि के बारे में बताना चाहिए। तो पर्सनली आप बता दीजिए माँ बाप को, अभिभावकों को बच्चों के बारे में, उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं। इसके अलावा सीखने की उपयुक्त स्थितियों, तरीकों की योजना बनाने के बारे में उनको बता सकते हैं कि कैसे आप उन्हें पढ़ाइए, इस बच्चे की क्या कमजोरियां हैं, क्या इसके संग काम करता है, तो वो माँ बाप को घर पर हेल्प करेगा। बच्चों की रुचि, क्षमताओं, दृष्टिकोण को पहचान करके उसके बारे में बताइए। कई बार माँ बाप को भी ये पता नहीं चल पाता है बच्चा किस चीज में खास है, किस चीज में आम है, तो आप उनको काफी मदद कर सकते हैं। अभिभावकों को बच्चों को स्व आकलन के लिए प्रोत्साहित कीजिए, मतलब कि बच्चे खुद अपने बारे में अच्छाई बुराई समझ सके, अपनी कमियां समझ सके, और माँ बाप भी एक पॉजिटिव वे में उनको समझा सके, ये आप कर सकते हैं। आकलन की प्रक्रिया के प्रति भय को समाप्त कीजिए, उन्हें यह नहीं लगना चाहिए कि अगर आकलन हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है, तो कोई डरने वाली बात है। इसका जो डर खत्म हो जाएगा तो वो खुले मन से अपनी बात रख पाएंगे और चीजों को कर पाएंगे, खुद का भी आकलन अच्छे से कर पाएंगे। संप्रेषण के तरीके यहाँ पर कुछ बताए गए हैं, कुछ चीजों के बारे में बताया गया है। अभिभावकों को विद्यालय की ओर से कई तरह से सूचना मिलती है, जैसे कि रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर है, या प्रगति कार्ड, या जिसे हम कहते हैं, तो वो हम सब जानते हैं इसके बारे में। वर्ष में 2-3 बार परीक्षाएं होती हैं, तो उसके कार्ड होते हैं, हाजिरी के कार्ड होते हैं, अटेंडेंस का, आचरण के बारे में किस तरह से आचरण है, स्वच्छता रखता है, और उसके नेचर के बारे में जो है, उसकी आदतों
प्रयासों के बारे में। मूल्यांकन हर समय चलने वाली प्रक्रिया है, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, साल भर चलती है, समय समय पर मूल्यांकन होता रहता है अलग तरीके से, और किस तरह से दूसरे बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं उससे तुलनात्मक अध्ययन भी हो जाता है, लेकिन बिना बताए होता है ये, और शिक्षक आमतौर पर अच्छा, बहुत अच्छा और मेहनत की जरूरत है जैसी टिप्पणियां कर देते हैं। इसे ही काफी समझा जाता है क्योंकि ये नेगेटिव प्रभाव नहीं डालती बच्चों पर। तो ये एक सिंपल तरीका है कि कैसे होता है। अब आप शिक्षक हैं तो आप ये सब जानते हैं कि रिपोर्ट कार्ड्स क्या होते हैं और कैसे बच्चों को हम फीडबैक देते हैं, तो खास बड़ी चीज नहीं है। और अभिभावकों को स्पष्ट भाषा में ये समझ में आना चाहिए आपकी रिपोर्ट्स और आपके फीडबैक के जरिए कि बच्चा क्या क्या कर सकता है, क्या क्या करना चाहता है और क्या करने में उसको कठिनाई आ रही है। तो क्लियर पिक्चर मिलनी चाहिए, तभी तो वो अपने आगे बच्चे को हेल्प कर पाएंगे। तो बच्चे ने किस तरह सीखा इसके बारे में, बच्चे द्वारा जो कार्य किए गए उसके नमूने आप दिखा दीजिए, सहयोग किस तरह से है, संवेदनशीलता, रुचि वगैरह जो उसकी है, किन चीजों के बारे में क्या इमोशनल हो जाता है, क्या करता है, ये सब बताइए उसको। और इसके अलावा अभिभावक किस तरह से बच्चों की मदद कर सकते हैं ये बताना है, अभिभावकों के बच्चे घर के जीवन और कार्यों के बारे में कैसे प्रश्न कर सकते हैं ये बताइए, संप्रेषण के बिंदु क्या हो सकते हैं, ये एक प्रोफार्मा जैसा दिया गया है, देखिए नाम लिखिए, विभाग लिखिए और क्या आपने क्रियाकलाप कराया जिससे उनको परखा, कौन से औजार, कौन सी सामग्री, कौन सी तकनीक अपनाई उनके आकलन के लिए, बनाई गई वस्तु का उपयोग क्या था, सिद्धांत क्या थे, समूह में योग्यता क्या, मतलब उनकी जो पूरी कहना चाहिए पूरा जो क्रियाकलाप करवाया, कार्यकलाप करवाया, उसमें उन्होंने कैसे परफॉर्म किया और क्या तकनीक अपनाई, क्या क्या रहा, पूरा विवरण यहाँ पर दिया गया है। तो इससे काफ़ी मदद मिल जाती है उनकी सभी एबिलिटीज़ के बारे में जानने में। तो ये सब यहाँ पर बताया गया है और बस इसके साथ ही हमारी ये यूनिट खत्म, बिल्कुल सिंपल टॉपिक था। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि ये 16वीं यूनिट खत्म हो गई है और हमारा ब्लॉग भी खत्म हो गया और हमारा ये जो 508 का ये कोर्स था हमारा, ये भी मैंने ख़त्म कर दिया है। तो आपको ये अच्छी खासी बात है और आप अपना ड्यूटी निभाइए, इसको शेयर लाइक ज़रूर कीजिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अपने ही साथियों की मदद कीजिए। आगे हम 509, 502, 10 भी कवर करेंगे, आगे लेक्चर जारी रहेंगे, तो अपने साथियों को पूरे यहाँ पर 501 से 510 के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, MCQs हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, अनअकैडमी पर भी आप कनेक्ट हों, तो सब कुछ आपको है, ये आप भी लें और दूसरों को भी सजेस्ट करें, मेरा आपको सजेशन है, मैं आपके साथ आखिर तक इसको कंप्लीट करवाऊंगा ज़रूर, तो ये आप ज़रूर करें। और AD एजुकेशन पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को सजेस्ट कीजिए, घंटी का बटन दबाइए जिससे हर लेक्चर आपको मिलता रहे। टेट एग्जाम्स की तैयारी भी मैं बहुत जल्दी यहाँ पर बेहतर तरीके से शुरू करवाने वाला हूँ, तो आप वो भी यहाँ पर जुड़ेंगे, उन लोगों को भी जोड़ें और अनअकैडमी पर भी ज़रूर जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने सभी लिंक्स दे दी हैं, ज़रूर चेक कर लीजिए एक बार और देखिए उन्हें। ओके एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।